22 जनवरी के दिन पूरे भारत का ध्यान रहेगा अयोध्या के श्रीराम मंदिर के उद्घाटन पर। नवभारत की टीम जब अयोध्या में पहुंची तो सबसे उत्सुकता थी मंदिर निर्माण के परिसर में जाने की। इस मंदिर निर्माण के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ है, लगभग 500 साल पुरानी लड़ाई और राम जन्म भूमि के निर्माण के लिए सैकड़ों कार सेवकों ने दी हुई प्राणों की आहुति, उसके बाद में अयोध्या के बीचों बीच निर्माण हो रहा है ये भव्य राम मंदिर। 9 नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया और राम मंदिर के पुनर्निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया। तीर्थ क्षेत्र न्यास की निगरानी में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए स्थापित ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी और मुख्य सचिव हैं श्री चंपत राय जी। मंदिर निर्माण के हर पहलू पर सोच विचार करके यह तय हुआ कि यह मंदिर एक नागर शैली का होगा और कम से कम 1000 वर्ष टिकेगा। 1000 साल का मंदिर खड़ा करना है, भारी मंदिर खड़ा करना है, तो कितना टिकेगा ये संभावना दिखाई पड़ती थी कि इसको कैसे किया जाए। तो देश भर के जो IIT हैं और उनके जो इस प्रकार के तज्ञ लोग हैं उनके अनुभव के साथ, उनकी सुझाव के अनुसार, उनके निर्देशन के साथ कुछ काम किया। इसके नीचे जो बेस है वो आर्टिफिशियल रॉक है, वो पत्थर का काम करेगी, वो सीमेंट और ईंटे से बनाई हुई केवल दीवार नहीं है, वो आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई है जिस पर यह मंदिर बन रहा है। पत्थरों में बनाए गए इस मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं हुआ। कुशल कारीगरों द्वारा तराशे हुए पत्थर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए इस मंदिर में तांबे की क्लिप्स का उपयोग हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर को मजबूत बनाने वाली नींव बनाना। यहाँ पे नीचे जाके 60 फीट जाके इसका फाउंडेशन लिया गया है। उस समय हमें 4 लेयर मिले जहाँ पुराने मंदिर के अवशेष मिले। इसमें पहले थे 12वीं सदी का मेगा सेतु का मंदिर, 1154 to 59 इसका निर्माण हुआ था, ये जीर्णोद्धारित था। तो समझने के बाद में हम और नीचे गए तो उसमें स्कंदगुप्त के काल का जो 5वीं और 6वीं सदी का होता है वो मिला, जो राम भद्राचार्य जी ने कोर्ट में कहा था, उनका अंदाज़ा था अभ्यास के अनुसार, लेकिन हमें वो मिला मंदिर। और मंदिर में वो भी ध्यान में आया कि ये जीर्णोद्धारित है। इसके बाद में हम और नीचे गए तो हमें विक्रमादित्य काल का मंदिर मिला जो ईसा पूर्व 1वीं सदी का था। उसके 17x5 पिलर का ये मंदिर था, उसमें से हमें 55 पिलर अपनी जगह पे मिले और 30 यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, तो इसको कलेक्ट किया गया है। इसके और नीचे जाने पर मौर्य काल के अवशेष मिले, फिर ईसा पूर्व 13वीं सदी के अवशेष मिले। इसके बाद में इसको कॉन्क्रीट से भरा गया, ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, ये अपने में एक अद्भुत चीज़ है जिसको संशोधित किया गया था चेन्नई IIT से। और इसके बाद में फिर यहाँ पे जो काम हुए हैं ये सब ग्रेनाइट के काम है, 26 फीट की जो प्लिंथ है और उसके ऊपर जो अभी बंसी पहाड़पुर का जो काम है उसका ग्राउंड फ्लोर हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर काम भी अभी पूरा होने के जा रहा है, हो सकता है कि हम जनवरी एंड तक उसको भी पूरा करें। तो ये अपने में एक बिल्कुल मिसाल के तौर पे है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 380 फीट है और विड्थ 260, ऊंचाई में जाएगा 161 फीट, लेकिन उसमें से आज के दौर पे हम सेकंड फ्लोर और शिखर नहीं कर पा रहे क्योंकि इसके लिए समय और चाहिए, 1 साल और लगेगा। तो इसके होते हुए वील बी एबल टू कम्प्लीट दिस पार्ट ऑलमोस्ट 65%। आगे की ओर जो आपको ध्यान में आ रहा है वो है इस मंदिर के बिल्कुल सामने वाला परकोटे का हिस्सा। जो परकोटे वाला हिस्सा है इसका पूर्व द्वार जिसको हम कहेंगे वो हम तैयार रखेंगे और ये पूरे रूप में खड़ा रहेगा। बाकी जो परकोटा है 150 मीटर बाय 250 मीटर का, ये पूरा होने में और 1.5 साल लग सकता है। तो वो शायद लोग बाद में आएंगे, मंदिर का नज़ारा देखते जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर देखेंगे, वहीं रामलला खड़े होंगे दर्शन के लिए। तो वहाँ दर्शन कर होते हुए बाकी सब इलाके जो है ये बाकी सब इलाके 1.5-2 साल में और पूरे हो जाएंगे, तो लोग देखते जाएंगे।
मंदिर निर्माण के लिए भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और कई अन्य राज्यों से आए 3,500 कारीगर दिन रात लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की निगरानी में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ये भगवान राम सब के राम है, वो अहिल्या के राम है, शबरी के राम है, केवट के राम है, जटायु के राम है, अंगद के राम है, सुग्रीव के राम है, उत्तर के राम है, दक्षिण के राम है, सब के राम हैं। और इस मंदिर में भी आपको सब के राम हैं ये प्रस्थापित किया गया है। सारे देश के लोग यहाँ 3100 लगभग श्रमिक यहाँ काम कर रहे हैं, और कोई मंदिर का जो लकड़ी का काम है कहीं और कहीं से, कारीगर कहीं और से हैं, इसकी मिट्टी कहीं और से लाई गई है, सीमेंट कहीं और से लाया गया है, इसका कढ़ाई करने वाले कहीं और से हैं, कोई प्रतिमा बनाने, मतलब पूरे देश का सहभाग इस मंदिर में है। मंदिर निर्माण न्यास हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद या फिर आरएसएस के कई सारे संगठन, सभी जुट गए हैं 22 जनवरी का उत्सव मनाने के लिए। 1 से 15 जनवरी 2024 तक राम भक्त घर घर जा करके ऐसे सभी राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए न्योता देंगे, लेकिन वो 22 जनवरी के बाद का है। 22 जनवरी को जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय सभी राम भक्त अपने अपने स्थान पर, अपने गली, अपनी बस्ती के अंदर, अपने गांव के अंदर जो भी मंदिर हैं, तो उस समय वहां पर एकत्रित हों, वहां भजन कीर्तन करें, अयोध्या से जो कार्यक्रम है उसको टीवी स्क्रीन के अंदर लाइव देखें, और शाम को जो है वो अपने अपने घरों में, और दीपावली की तरह, क्योंकि राम अपने घर में लौट रहे हैं, विराज रहे हैं, तो उस समय दीप प्रज्वलन करें। लेकिन बाद में जब अवसर मिले, जब भी समय हो, उस समय अयोध्या जरूर आएँ, ऐसा जो तीर्थ क्षेत्र की ओर से भी आह्वान किया जा रहा है, तो बाद में सुविधा से, जैसा सबको सुविधा हो, उस समय आकर के दर्शन कर सकते। इस मंदिर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। उसके बाद में मंदिर जो पूरा होगा उसके लिए कुछ समय लगने वाला है, लेकिन इसकी जो पहली मंजिल है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि कुछ कम लोग, गिने चुने लोग यहां पर आ पाएंगे, लेकिन पूरे देश भर में अक्षताएं दी जा रही है और पूरे देश भर में दिवाली मनाने का एक जो संदेश है वो भेजा जा रहा है। 22 जनवरी को यहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में देश भर से लोग यहां पर आ पाएंगे और इस भव्य नए मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे।